गुड मॉर्निंग गाइस। सो टुडे इज़ माय सेकंड डे इन हैदराबाद एंड अभी बज रहे हैं सुबह के 5 और आ चुका हूँ मैं जिम। थोड़ा वर्कआउट करेंगे ताकि शरीर एक्टिव रहे एंड उसके बाद वी विल गो टू फिल्म सिटी। सो सारे ग्लिम्सेस कवर करेंगे उसमें। अभी करते हैं थोड़ा वर्कआउट, लेट्स गो। सो अभी तो मेरी कुछ खास बॉडी है नहीं, जो भी है वो पहले की है जो मैं 8th-9th क्लास में घर पे या पार्क में वर्कआउट करता था। आई हैव नेवर बीन जिम, कहीं पे मैंने मेंबरशिप वगैरह कभी नहीं ली। दो एक सरप्राइज है, मैंने जिम ज्वाइन कर लिया गाइस। और एज अ बिगनर मैं बेवकूफ़ कहूँगा या समझदार कहूँगा अपने आप को पता नहीं, मैं एनुअल मेंबरशिप के पैसे दे के आ रखा हूँ, इसलिए मेरे को डर भी लग रहा है, पता नहीं मैं जा पाऊँगा या नहीं। बट आप लोगों का साथ है तो आई श्योरली गो, वहाँ पर भी ब्लॉग्स बनाऊँगा। सो मैं भी नेक्स्ट मंथ में ज्वाइन कर लूँगा। सो ये अभी तक मैंने ऐसे ही एक आधी जिम मतलब जिम गया हूँ एक आधी दिन, लाइक होटल में रुक गया तो जिम चला गया, ओपन जिम चला गया, नेवर बीन जिम टू लाइक प्रॉपरली रेगुलर। सो आई हैव नेवर बीन जिम इन ऑन अ रेगुलर बेसिस। सो या दैट्स ऑल, अभी करते हैं और थोड़ा वर्कआउट, उसके बाद चलते हैं फटाफट से नीचे। यो तुम्हारे भाई की बॉडी इतनी भी खराब नहीं यार, ठीक ठाक है। और बाकी जिम जाके बना लेंगे, दिक्कत क्या है, अपन भी बना लेंगे। चलो लव यू ऑल। चलो भाई अब चलें फटाफट से नीचे, रेडी हैं और उसके बाद चलें सेकेंड डे, लेट्स गो। सो अब मैं नहा चुका हूँ एकदम चिल्ड पानी से नहाया तुम्हारा भाई, मज़ा आ गया बिल्कुल। क्योंकि यहाँ हैदराबाद में बहुत ही ज़्यादा गर्मी है, दिल्ली में नेक्स्ट लेवल ठंड, हैदराबाद में नेक्स्ट लेवल गर्म, और हम बीच में मॉडरेट में, कभी समझ नहीं आ रहा स्वेट शर्ट पहने उतारे। तो कल तक तो मैंने इसलिए पहन रखा था क्योंकि ज़्यादा सर्द गर्म होता तो तब इतना ख़राब हो जाए, बट आज देखते हैं हैदराबादी स्टाइल में। यहाँ के लोग बिल्कुल एकदम हाफ टी शर्ट हाफ पैंट एकदम मस्त घूम रहे होते हैं, हमने तो टी शर्ट भी नहीं पहनी आज, एकदम चिल्ड पानी से नहाया। लाइफ दिल्ली वाले किसी से कम दौड़ने हैं, नुए काचे काट देंगे। चलो फटाफट से तैयार हो जाता हूँ, नहीं तो ना लेट हो गया तो पापा काट देंगे। कभी कभार तो आई फील कि अपने घर का नाम ही चिड़ियाघर रख दो, मैं तो चिड़ियाघर में बंदर ठीक लगूंगा। ओ पापा आप क्या बनना चाहोगे? मैं तो शेर हूँ अपने घर का, चिड़ियाघर का शेर हूँ मैं, शेर। तो मम्मी क्या है फिर? मम्मी तुम क्या हो फिर? पापा तो बब्बर शेर, बब्बर शेर। तुम बब्बर शेर हो तो फिर यार मैं भी क्यों बोल रहा हूँ, मैं भी कब हूँ फिर? तो नहीं, टाइगर का कब होता है, शेर का क्या होता है? बच्चा छोटा शेर, तो बंदर बन गया था भैया। चलो मैं एक बार आऊँ उधर से, लेट्स गो टू रामोजस फिल्म सिटी। आर यू गाइस रेडी? कैसा जोश है तुम लोग, क्या फीके फीके से हो। आर यू गाइस रेडी? यस। चलो चलते हैं फटाफट। सो जाने से पहले मैंने अपने क्यूटी पाइस के साथ एक दो पिक्चर्स क्लिक करी, हैप्पी हैप्पी। सो ब्रेकफास्ट करने में जैसे ही पहुंचा मेरी नज़र पड़ती है सीधा डेजर्ट्स पे, स्वीट्स पे, पता नहीं क्यों लेकिन मेरे को मतलब ये मफिन्स, ड्राई फ्रूट्स, केक्स वगैरह देख के मज़ा आ गया। इसके बाद देखते हैं खाने में भी क्या, लेट्स गो। जिम वाली डाइट सी हो गई है बढ़िया तरीके से, बॉयल्ड एग वगैरह, इडली, रागी इडली, मिल्क शेक, पता नहीं क्या मैंने सही खाया क्या गलत खाया, बट खाने में मेरे को मज़ा आया तो सही है। क्योंकि कहीं पे भी आप स्टे करो, हाइजीन मतलब रूम की मेंटेनेंस तो अच्छी होनी ही चाहिए,
वो भी एक प्राइमरी चीज़ है, बट खाने का टेस्ट वो और खाने की क्वालिटी वो आपके मतलब ट्रिप को अमेजिंग बना देगी। उसके बाद ये जो मोमेंट्स मैं कैप्चर कर रहा हूँ इससे और अमेजिंग हो जाएगी ट्रिप, क्योंकि आज के बाद मैं जब भी इसको देखूंगा, जब भी आप लोग कोई लाइक कमेंट करो अगर मेरे पास नोटिफिकेशन आएगा, और जब भी मैं इस वीडियो को देखूँगा, इट वुड बी जस्ट एन अमेजिंग, बिकॉज सब कुछ नॉस्टैल्जिक फीलिंग हो जाएगी मेरे को कि कहाँ मैं गया, कैसे गया, स्पॉन्सर ट्रिप थी पापा की, अभी तक तो बाप के पैसों पे मौज कर रहे हैं, अब जल्दी पापा को घुमाने लेके जाएंगे। पापा दुबई नहीं गए ना हमारी वजह से, साला दुबई लेके चलेंगे, अब टेंशन ही नहीं, और वो वीडियो भी डालेंगे। बस कीप सपोर्टिंग, हर जगह जाएंगे, हर जगह घुमाएंगे आपको साथ में। लव यू ऑल। अब चलते हैं फटाफट से राम फिल्म सिटी, राम अजस फिल्म सिटी, और वहाँ पर बनाते हैं वीडियो। लव यू ऑल। फाइनली हम पहुंच गए फिल्म सिटी में। चलो चले वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फिल्म सिटी में। सो फाइनली फाइनली वी आर गोइंग टू रामोजी फिल्म सिटी, ऑल थैंक्स टू पापा एंड माउंट सॉफ्ट ग्रुप ऑफ कंपनीज। सो अब हमने पास ले लिए रामोजी फिल्म सिटी के, इसमें हमारे वाउचर्स हैं जो हमें लंच मिलेगा सबके, वो कूपन्स वगैरह हैं, एंड साथ में हमें स्टिकर मिला है जो हमें अपने ऊपर लगाना था, जो कि हमारी बस के लिए है। तो एक ये रेड है और एक येलो है, और ये अब हम चले बस से सफ़र करने फिल्म सिटी का। लेट्स गो। सो ट्रिप के साथ साथ हमें ट्रिप गाइड के तौर पे ये मैम मिली थी जो हमें गाइड कर रही थी, और ये हमारे CMD सर हैं, और ये लोग काफ़ी एक्साइटेड हैं एज यूजुअली सब हैं, लेकिन मम्मी और पापा को शायद भूख लग चुकी है। सो जब तक हम रास्ते में जा रहे हैं मैं बता दूँ, रामोजी फिल्म सिटी ऑलमोस्ट 2000 acre एरिया में फैली हुई है, एंड रामोजी फिल्म सिटी एक बहुत बड़ी फिल्म सिटी है। मुंबई सब जानते हैं, लेकिन हैदराबाद की रामोजी फिल्म सिटी मुझे भी पहली बार पता चली थी। और ये देखो, ये है मेन रामोजी फिल्म सिटी का एंट्रेंस, ये देख सकते हो इतनी सारी जो बसें आ रही हैं जा रही हैं, ये बेसिकली रामोजी फिल्म सिटी का टूर कराती हैं। आप लोग अपनी व्हीकल से आओगे, आप लोग वो बाहर ड्रॉप ऑफ करोगे पार्किंग एरिया में, एंड देन आपको रामोजी फिल्म सिटी की अलग से बसेस प्रोवाइड की जाएंगी जो कि आपको प्रॉपर टूर कराएंगी अलॉन्ग विद गाइड्स। और तो और इस रामोजी फिल्म सिटी में इंडियन सिनेमा की बहुत सारी मूवीज शूट की गई हैं। यहाँ पे छोटी से छोटी और बड़े से बड़े शूट सेट के लिए मतलब प्रॉपर सेटअप तैयार किया गया है। यहाँ पे मतलब यूरोपियन सिटी का भी पूरा लुक दे रखा है, जो फॉरेन जैसा लुक देता है वो भी मैं दिखाऊंगा आपको। जोधा अकबर की शूटिंग हुई है और भी बहुत सारे। तो ये है ओपनिंग सेरेमनी, तो मेक श्योर अगर आप रामोजी फिल्म सिटी आ रहे हैं तो कृपया टाइम से आए।
बाहर की ओपनिंग सेरेमनी और थोड़े सॉन्ग्स के बाद अब हम धीरे धीरे एंटर कर रहे हैं अंदर की साइड, और आप भीड़ देख सकते हो कितनी है बिल्कुल मॉर्निंग में ओपनिंग सेरेमनी के टाइम भी। आई गेस अराउंड 9:40 हो रहे होंगे, और साथ में हमारे विनोद चल रही हैं ये फूल मस्त पीछे लगा के, एकदम मैडम क्यूरी वाली फील लेते हुए। और अब हम जा रहे हैं पोंगल का सेलिब्रेशन देखने। वेल बिलेटेड हैप्पी मकर संक्रांति टू ऑल द नॉर्थ इंडियंस एंड मे बी पीपल फ्रॉम रेस्ट पार्ट ऑफ वर्ल्ड। आपको मे बी ना समझ में आए बट प्लीज एंजॉय द वाइब। वेल बाय विजिटिंग साउथ पार्ट ऑफ आर इंडिया आई गॉट टू नो मच मोर अबाउट इंडियाज डाइवर्स कल्चर एंड लाइक पीपल विद डाइवर्सिफाइड बैकग्राउंड्स, डाइवर्सिफाइड सॉन्ग्स एंड लाइक अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड इवन क्यूजीन एज वेल। इतनी भीड़ में किसी को ढूंढना मुश्किल है, बट वी आर हैविंग पीपल विद सेम टी शर्ट्स सो वी कैन फाइंड देम इजिली, वेरी इजिली। एक दो तीन, सो इजी टू फाइंड देम। सो फाइनली अब हम पहुंच गए हैं उस एरिया में जो यूरोपियन या फॉरेन सिटी की वाइब्स देता है उस रोड पे, और यहाँ पे हमें मुश्किल से मुश्किल बस 10 मिनट दिए गए हैं। तो मैं और मम्मी पापा सब घर कब्जा करते हैं। मेरे पापा को डांस करने का पता नहीं क्या हो गया, वो स्टेप कर रहे हैं और पापा को देखो क्या कर रहे हैं, और ऐसे रहे हैं कि बिल्कुल अपने ही घर में जा रहे हो। तीनों घर कब जा कर रहे हैं ना, बहुत सारे मम्मी 5-6 मिनट रह गए। ओ मम्मी वो दिल 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 के दिल के अंदर जाके बैठ जाओ, तुम जल्दी करो मम्मी, बहुत और भी घर कब्जे करने हैं, भाग कर रही है, रुक तो जा। पापा रह गए पीछे, देखो आ रहे हैं, अरे जल्दी आओ ना, घर कब्जे करने के लिए टाइम दीजिए, 4-5 मिनट में कब्जे करने हैं सारे घर, जल्दी चलो। वाह क्या मस्त घूम रहे हैं, एज इफ ये घर हमारा ही हो। सो आई डिड क्लिक मेनी पिक्चर्स ओवर हियर एंड मतलब इट्स लाइक नेक्स्ट लेवल। आप आधी से ज़्यादा चीज़ें देख के यू कांट इवन गेस कि आर दे रियल और दे फेक, यू कांट इवन लाइक मेक जजमेंट्स दैट आर दे इवन रियल और फेक, लाइक मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर फेक ओवर हियर, लाइक फेक पीपल इन वर्ल्ड, बट स्टिल यू कैन सी लाइक ईच एंड एवरी थिंग। यहीं पर हॉस्पिटल है, यहीं पर लाइब्रेरी है, यहीं पर सब कुछ है, और यहीं पर सीरियल और मूवी का द एंड हो जाता है। सो दैट्स ऑल, और अब चलते हैं हम आगे बल्लाल देव की मूर्ति पे भी जाएंगे, लेट्स सी कैसा क्या होगा। देखो अभी वे टू एयरपोर्ट है, राइट हैंड साइड में दिखाता हूँ आपको कैसा है, अभी हम लोग घूम घूम के जा रहे हैं, लेट्स सी। सो ये देखो ये फोटो खींची मैंने अपने क्यूटी पाइस की, जो ये देख छोटे छोटे रहे हैं, घर बड़ा है, और उसके बाद मम्मी ने मेरी क्या धासु फोटो खींची, एक नंबर फोटोग्राफर है मम्मी तो।
एंड यहाँ पे आई स्पॉटेड देम, ये देखो मस्त मम्मी फूल लगा के घूम रही है। सो ये है नकली का एयरपोर्ट बनाया हुआ, किसी भी एयरपोर्ट वाले सीन के लिए इसको यूज़ किया जाता है। और ये अब हम पहुंच रहे हैं महाभारत, कृष्ण जी, रामायण, इन सब का काइंड ऑफ जो रिलीजियस सेटअप होता है वो देखने। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अलग अलग गॉड्स और अलग अलग डीटीज के स्कल्पचर्स बने हुए हैं, डमीज हैं, मतलब इंक्लूडिंग ऑल दी कैरेक्टर्स प्लेड इन रामायण एंड ऑल। यहाँ पे पापा क्या दिखा रहे हैं, ओह रावण इज हेयर। एंड उसके बाद अब हम अंदर जाएंगे एंड अ लॉट ऑफ पीपल आर कमिंग। यहाँ पे हमें बिल्कुल टाइम नहीं मिला था एक्चुअली ना शूट वगैरह करने का, इसलिए चलते चलते शूट कर रहा हूँ। ये देखो अंदर का मतलब प्रॉपर जो राजमहल एंड ऑल होता था, सभा, कैसे सारे बैठते थे यहाँ पे, वो शो कर रखा है डमीज के थ्रू कि हमें कैसे शो किया जाता है, शो केस किया जाता है और शूटिंग कैसे होती है। सो लॉट ऑफ पीपल आर कमिंग ओवर हेयर टू सी। एंड ऊपर आप देख सकते हो कुछ खास है नहीं, लेकिन जो अंदर का इन्होंने प्रॉपर ढांचा बनाया, दैट्स अमेजिंग। ये मम्मी जबरदस्ती की स्माइल पास करते हैं, यहाँ लाइन में हम लगे हुए हैं, किसी तरह आगे बढ़ रहे हैं, लेट्स गो। सो यहाँ पे वी कैन क्लियरली सी दैट फॉरनर्स आर आल्सो कमिंग विद देयर किड्स टू सी आर इंडियन रिलीजन, सो व्हाई आर वी नॉट बीइंग सो प्रोएक्टिव विद आर सनातन धर्म, वी शुड ऑलवेज बी प्राउड ऑफ आर इंडिया कंट्री एंड इंडियन कल्चर। सो आई समहाउ मैनेज टू क्लिक सम पिक्चर्स ऑफ दिस ब्यूटिफुल सेटअप so that all my viewers of YouTube family can see. So आप नकाशी देख सकते हो how beautifully, and अभी देखना see this passage. Oh my god how beautifully it is designed, amazing. So अब हम पहुँच चुके हैं नकली रेलवे स्टेशन पे, जहाँ पे कोई भी ट्रेन से रिलेटेड कोई भी शूटिंग करनी होती है तो इस प्लेटफॉर्म पे की जाती है, चाहे वो DDLJ हो या कुछ भी हो। और आगे ट्रेन का कलर ब्लू है और पीछे है मैट ब्राउन। और यहाँ पे जा सिमरन जा जीले अपनी जिंदगी का लाइट वर्जन करवा रहे हैं राजकुमार अंकल, और ये यहाँ के सरकारी अमरीश पुरी बन गए थे। और यहाँ पे बड़े ही प्यार से रोहित भी हमारी ग्रुप लीडर के साथ सेम एक्ट करते हुए। और यहाँ मैंने खिंचवाई एक सेक्सी सी फोटो अपनी। डजंट इट फील लाइक कि यही है वो कॉलेज का ग्रुप जो हमेशा बंक मारा करता था। क्या चाहिए क्या चाहिए क्या चाहिए, नहीं है वो भी नहीं है वो भी नहीं है, तो हम आगे जाएंगे नकली जेल देखने क्योंकि यहाँ असली हमने कुछ देखा नहीं है। फिर जाएंगे बाहुबली सेटअप, फिर जाएंगे ईओडी पार्क और फिर जाएंगे खाने। क्या कर रहे हैं? तो ये है नकली सेल्यूलर जेल, यहाँ से रिलेटेड कोई भी शूटिंग की जाती है तो यहीं की जाती है। हमें हमारी बस नहीं रुकी, देखो चले जा रही है आगे। और ये हम पहुंचे फाइनली कुछ शूट लोकेशंस पे जहाँ हमें अलाउ तो नहीं था जाना अंदर, बट मैंने देखा कुछ डैमेज्ड कार्स कैसे आगे क्रेन लेके जा रही और वही सेम डैमेज्ड कार्स को यूज़ करते हैं लोग अपने शूट में। जय महिष्मती। सो फाइनली वी आर एट द सेट ऑफ बाहुबली साम्राज्य। सो नाउ वी आर एट द प्लेस वेयर बाहुबली वाज शूटेड। जय महेशमती। लाल देव और पता नहीं क्या क्या है, अभी आपको दिखाता हूँ। पीछे देखो सांड जो लाल देव का हुआ था, उसके अलावा हमारे बाहुबली जी। सो अ लॉट ऑफ सीन्स हैव बीन शूटेड ओवर हियर एंड अभी हम आगे जा रहे हैं। ये देख रहे हो मेरे पीछे इतना बड़ा घंटा, जो फोटोज खिंचवा रहे हैं। ये रहा किला, ये बड़ा सा किला है, यहाँ से अब हम लोग एंट्री लेने वाले हैं एंड उसके बाद अंदर वी विल सी व्हाट ऑल विल बी देयर, लेट्स गो। तो ये देखो एंटर होते ही बाहुबली की बिल्कुल लोकेशन देखो आप। सो यहाँ की वाइब ही अलग थी और प्लस बाहुबली का जो थीम सॉन्ग बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा था एक नंबर भाई, मजा आ गया था, बिल्कुल ही स्वादिष्ट आ गया था। और भीड़ आप देख सकते हैं यहाँ पे कितनी है। एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, रामोजी फिल्म सिटी में आने की 2 टिकट्स हैं, टैक्स इंक्लूड हो के, एक होती है 1500 की और एक होती है 3000 की। 1500 वाली रेड ओपन बसेस होती हैं, ऑलमोस्ट सेम चीज़ें होती हैं, बस खाने के रेस्टोरेंट का फ़र्क हो जाता है, दैट्स इट, नथिंग एल्स। सो आप कोई भी ऑप्ट कर सकते हैं। आप ये देख सकते हो ढोली सा, ये देखो बच्चा बजा रहा है, या आई गेस जब बजा था जब बाहुबली का वो हो रहा था, जब बोला था प्रभास ने मैं यानी अमरिंद्र बाहुबली।
आगे आप ये देख सकते हो घोड़े के साथ इतना बढ़िया तरीके से कर रखा है सब कुछ, मतलब बहुत ही अमेजिंग। आपको ऐसा लगता है आप बिल्कुल बाहुबली का पार्ट बन चुके हो एकदम, मूवी के एक एक जो जो प्लेसेस है जहाँ पे मूवी का सीन शॉट हुआ था आप सब कुछ वो देख पा रहे हो, और आपको सब कुछ एकदम मेमोराइज हो जाता है कि आपने क्या क्या सीन्स में देखा। यहाँ पे एग्जैक्टली हमें मेरे को भी याद नहीं, लेकिन हमें एक फार्म भी दिखाया गया था जहाँ पे वो सुअर मारे थे ना, वो वाला भी। चलो अब सब आ गए हैं फटाफट और आगे चल के देखते हैं। सो गाइस डू यू रिमेम्बर दिस प्लेस जहाँ पे देव सेना को बंद किया गया था बलाल देव के द्वारा, याद है? आओ जी आओ फटाफट से चले, नहीं तो धीरे धीरे चल के तो ये कभी कवर ही नहीं होगा, इतना बड़ा एरिया है। अगेन ये शिवलिंग भी सबको याद ही होगा जो प्रभास ने उठाया था और रुद्राक्ष टूट गए थे। वेल इट वॉज लाइट वेटेड। सो ये है वो तीर कमान वाली जगह। आई होप आपको ये सब देख के सारे सीन याद आ रहे होंगे, और ये बल्लाल देव की वो मूर्ति। सो ये यहाँ पे कुछ ग्लिम्पसेस है जो हमने पिक्चर्स क्लिक करी है बल्लाल देव के सामने, मैं मम्मी और पापा और ये शेर के साथ, एक शेरनी और एक छोटा शेर, और उसके बाद आता है फिर शेर के साथ छोटा शेर, और एक आता है बब्बर शेर, और उसके बाद ये जगह आपको पता होगी, यहाँ आशीर्वाद दे के पापा अपनी सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर रहे हैं। बाहुबली के सेट से एग्जिट करने से पहले याद रखिएगा आपको 89 रुपीज़ का एक वाउचर मिला होगा, तो डू परचेज समथिंग यूजफुल फॉर योर सेल्फ। सो ये अब हम पहुँच गए हैं अस्करी गार्डन में, और ये हमारे खुश मिजाज अंकल जी एकदम मस्त चिल मार के बैठे हुए हैं, ये अपनी वाइफ को याद कर रहे हैं। और अब हम चलते हैं अंदर बटरफ्लाई म्यूजियम गार्डन इन सब में, लेट्स गो टू बटरफ्लाई पार्क फर्स्ट, तो आओ स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे एंटर होते ही आपको इतनी सारी बटरफ्लाईज मिलेंगी, और आप सामने भी देख सकते हो एक और बटरफ्लाई है, हालांकि वो नकली है फोटोज खिंचवाने के लिए, बट अपार्ट फ्रॉम दैट आपको यहाँ पे बहुत सारी बटरफ्लाईज मिल जाएंगी, एकदम मजे में घूम रही हैं खुली फ्रीली, तो बहुत मतलब अच्छा ब्यूटीफुल। ये देखो ये बटरफ्लाई यहाँ पे भी गई थी अभी। सो ये सामने बटरफ्लाई है, इधर भी हमने काफ़ी पिक्चर्स खिंचवाई। सो यहाँ पे मैंने खींची अपनी तितली और तितला की फ़ोटो, और ये मैंने अपनी फ़ोटो खिंचवाई क्योंकि बहुत ही प्यारी लोकेशन थी। और ये अब हम पहुँच गए हैं बर्ड्स पार्क में, जहाँ पे मैं आपको दिखाने वाला हूँ बहुत ही अलग अलग टाइप और वैरायटी और अलग अलग स्पीशीज़। देखो कहाँ कहाँ के हैं, वाइट फेस्ड विस्लिंग डक, अफ्रीका ओरिजिन है इसका मलाड डक, मतलब बहुत ही सारे अलग अलग स्पीशीज़ देखने को मिलेंगे एंडेंजर्ड। ये बच्ची देखो कितनी क्यूट है, मैंने इसको भी कैप्चर कर लिया, और साथ में आपको यहाँ पे भी देखो डक्स। और ये तो बहुत ही अलग लेवल की चीज़ थी, ये ब्लैक वाला पता नहीं क्या था, मतलब ये तो अलग सा ही दिख रहा था, और ये तो डक्स हो गए। अभी पानी में भी एक डक है देखो ये वाला, तो मतलब ऑलमोस्ट ये पार्क ही पूरा इस तरीके से डिज़ाइंड है कि इसमें आपको डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज़ के बर्ड्स दिखेंगे, और आगे भी हम डिफरेंट डिफरेंट बर्ड्स देखने वाले हैं, और साथ में इंफॉर्मेशन भी लगाई है, जैसे देखो कैरोलिना डक, मैंड्रिन डक, और ये देखो इतना बढ़िया नज़ारा, ओह हो बिल्कुल प्यारी ब्यूटीफुल जगह। यहाँ पे देखो फिर अंदर केजेस में देख सकते हैं हम बहुत सारी अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट बर्ड्स हैं। सो आओ देखते हैं आगे और कौन कौन सी बर्ड्स है, लेट्स गो। फटाफट अब हम आगे की ओर प्रस्थान करते हुए, क्योंकि हमारे जो लीडर थे बस लीडर वो बहुत जल्दी मचा रहे थे, एंड उनकी भी उनका भी कहना सही था क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है, एक दिन इज़ नॉट सफिशियंट टू विजिट होल रामोजी फिल्म सिटी बिकॉज इट्स सो बिग, इट्स सो लार्ज, इतना वाइड एरिया में मतलब पूरा रामोजी फिल्म सिटी है। आप समझ सकते हो जब बिल्कुल सबसे लार्जेस्ट फिल्म सिटी है सो कितनी बड़ी होगी। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं फिर से बर्ड्स को, मुझे लगा कि हम सेकेंड रो में आते तक ख़त्म हो जाएगा, बट इट्स नॉट लाइक दैट, अभी और भी बर्ड्स हैं बहुत सारी, और इतनी अमेजिंग बर्ड्स जो आज तक हमने शायद बुक्स में भी देखी होंगी। ये देखो कितनी प्यारी लग रही है, ओ माय गॉड, दिस जस्ट बर्ड टुक माय हार्ट, लाइक इट मेल्टेड माय हार्ट, इट्स सो, व्हाट शुड आई से आफ्टर सीइंग दिस ब्यूटीफुल बर्ड, इट्स सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, जस्ट लुकिंग लाइक अ बाप। और ये वाह बोलते ही नेक्स्ट नंबर आ गया ब्लू मकाओ का, अगेन दे आर ऑल्सो प्रिटी। अब किसकी तारीफ करें किसकी ना, हर एक चीज़ ही यहाँ पे ऐसी अजूबी अजूबी सी है। ये देखो शैमरॉक मकाओ, मतलब इट्स अमेजिंग, स्पीचलेस, देखो कितने प्यारे लग रहे हैं,
ये फिर भी थोड़े शांत हैं, लेकिन कुछ कुछ तो बहुत ही अलग लेवल के हैं। अगला कौन सा है? मिलिट्री मकाओ। लेट्स सी, देखो ओरिजिन वगैरह सबका सब कुछ लिखा हुआ है डिस्क्रिप्शन के साथ। सो अगेन बहुत ही अच्छी चीज़ है रामो जी की कि अपने विजिटर्स को साथ के साथ एजुकेट भी कर रहे हैं कि ओरिजिन क्या है इन स्पीशीज़ का, फ्रॉम वेयर दे आर, मतलब सब कुछ। देखो ये भी एक और, ये देखो बहुत अलग है ये, ऐसा सा इसके इसके हेड देखो, हेड पे हेयर देखो, बहुत अलग। और कितना अच्छा लग रहा है ना, दुनिया के शोर शराबों से बेटर इनकी चर्पिंग, चर्पिंग ऑफ बर्ड्स अमेजिंग यार, सो पीसफुल। ये देखो कितना कितनी प्यारी लग रही हैं ये वाली बर्ड्स, एकदम लाल मिर्च की तरह। ये पापा पोज मार के फोटो खिंचवाते हुए, एक नंबर। और ये मम्मी पीछे लाल मिर्च लगा के घूमते हुए, ये पापा मम्मी को पपीते का पेड़ दिखा दिखा। पपीता के पेड़ पर क्या खा रही है? आपको भी खाना है क्या? बचपन में। और यहाँ पापा ने अपनी शैतानियाँ बता दी, जो गाँव में पापा ने भी पपीते बहुत तोड़ के खाए पेड़ों पे से, लेकिन यही अगर हम करें हमारी शैतानी शैतानी लगती है, और पापा की शैतानी कुछ नहीं, वेरी बैड, व्हाट शुड आई से। चलो और आगे चलते हैं, और सबसे आगे अमेजिंग चीज़ देखने को मिलेगी, ऑस्ट्रिच। एज वी ऑल नो द लार्जेस्ट बर्ड इन द वर्ल्ड एंड ऑल्सो लेज द लार्जेस्ट एग। देखो एक बार इसके अंडे, भाई साहब कितने बड़े अंडे थे, 5 अंडे इतने बड़े बक्से में आए हैं, सोच के देखो। और ये रही हमारी ऑस्ट्रिच माता जो अंडे देती है, मतलब। और खतरों के खिलाड़ी में भी इसी से भिड़वाया था कंटेस्टेंट से, मेरे को अच्छे से याद है। इसकी स्पीड 97 किलोमीटर पर आ रहा है गाइस, अनबिलीवेबल। फटाफट से अब हम चलते हैं सबसे इम्पोर्टेंट काम करने का, रामोजी फिल्म सिटी में, तो लेट्स गो। और अभी आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा हम जा कहाँ रहे हैं, ये आपके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा जब आप आओगे। सो फाइनली गाइज, अब जिस चीज़ के लिए मैं सबसे ज़्यादा एक्साइटेड था वो पल आ गया है, यानी लंच का। तो अब हम जा रहे हैं फटाफट से रेस्टोरेंट, वहाँ पे खाएंगे खाना, और हमने लिए 3000 वाली टिकट, तो हमारा खाना ऑब्वियसली बढ़िया होगा ही होगा, लेट्स गो। सो यहाँ पे वी कैन सी अ लॉट ऑफ रेस्टोरेंट्स इन रामोजी फिल्म सिटी, और आप सेकंड नंबर पे जो देख रहे हैं सुपर स्टार एयर कंडीशन मल्टी क्यूजीन वेज एंड नॉन वेज बूफे रेस्टोरेंट, वो हमारा रेस्टोरेंट है। और यहाँ देखो ऐसा हाल है, और यहाँ पे मैं 2 टेबल्स की रखवाली कर रहा हूँ, और सब गए हुए हैं, उसके बाद मैं भी जाऊँगा खाना लेने, एंड उसके बाद आई विल शो यू व्हाट आई एट एंड व्हाट ऑल वाज देयर। तो ये देखो ये है आपका खाना का ओवरव्यू, नॉन वेज मैंने लिया नहीं, वेज का ये है। नॉन वेज में भी और भी चीज़ें थी, चिकन फिश एंड ऑल, वो भी सुनने में आया था कि वो भी टेस्टी है, खाना वॉज सुपर अमेजिंग। तो जैसे ही हमने खाना खा लिया उसके बाद हम आए हैं स्टंट शो देखने, ये भी बहुत अमेजिंग होने वाला है। ये देखो आपको दिखाता हूँ,
तो अब हम चले स्पिरिट ऑफ रामोजी शो, जहाँ पे थिएटर और ड्रामा दिखाया जाएगा। लेट्स गो एंड एंजॉय। संतोष नहीं करूंगा। कली 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 ना तली
Oh!
चले फिल्मी दुनिया की यात्रा करने जहाँ पे अलादीन वगैरह की शूटिंग होती है। लेट्स गो। टेंशन मत लो, आपको भी सब कुछ दिखाऊंगा, टेंशन मत लो। पापा यहाँ सबको राम राम करते हुए जा रहे हैं फुल एंजॉय मोड में। Hi.
दूसरी इच्छा भी पूरी कर दो। त्रिशा से शादी करना चाहता पे। बहुत सारी छोटी छोटी फन एक्टिविटीज है, जैसे कि अभी ये स्पेस यात्रा है, हमको सीट पे बैठा गया है, फील कराया जाएगा कि हम स्पेस में घूम रहे हैं। तो चलो ये भी एक्सपीरियंस करते हैं। आपसे निवेदन है कि अपने स्थान पर ही बैठे ना उठे। దయచేసి వినండి, రైడ్ పూర్తిగా ఆగిన తరువాత ద్వారము తెరుచుకునే వరకు కూర్చొని अनोखे जग में अनोखी धुन में अनोखे जग में अनोखी धुन में सुना ने बड़े मजे की बात। निकली तारों की बारात हम तुम सबको लेके साथ, निकली तारों की बारात हम तुम सबको लेके साथ, अनोखे जग में अनोखी धुन में अनोखे जग में अनोखी धुन में सुनाने बड़े मजे की बात। So, यहाँ पे अभी ये गैदरिंग इसलिए की गई है ताकि हमें सीक्रेट्स पता चले इंडियन सिनेमा के, हाउ दे आर मेड विद ऑल द इफेक्ट्स। लेट्स गो। सो वेरी गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, वेरी गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। देयर आर मोर देन 250 आ गई है, 280 पीपल सिटिंग हियर, सो दिस कांट बी द वॉइस ऑफ 280, कैन वी ट्राई अगेन प्लीज। अ वेरी गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। Much better. Trust me, you need to maintain this energy throughout the day if you want to see everything that this Film City has to offer. So, ladies and gentlemen, welcome to the Action Theatre. Action Theatre, आप सबका स्वागत है। मेरा नाम Anthony है। मैं आपका host रहने वाला show के लिए। So, my name is Anthony. I'll be your host for this particular Action Theatre show this evening. So, I would like to tell all of you that you're sitting inside a shooting theatre. आप जहाँ पे भी बैठे हो, ये एक shooting theatre है हमारा movie making process का। पहला स्टेज भी, दिस इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ द मूवी मेकिंग प्रोसेस एंड वी कॉल दिस स्टेज एज शूटिंग स्टेज। हम इस स्टेज को शूटिंग स्टेज कहते हैं जहां सिर्फ और सिर्फ हम अपनी मूवीज की जो वीडियो वाला हिस्सा होता है वो हम शूट करते हैं। सो वी ओनली शूट द वीडियो सेगमेंट्स ऑफ द मूवीज दैट यू सी ऑन द बिग स्क्रीन।
action. Yes, start moving the bicep left to right. Left hand bike ko move karte rahiye. Keep on accelerating with your right hand. Right hand se accelerate karte rahiye. Yes, share a bit tension because you're already there on the screen. So give your best, please. Move the bike left and right. Keep on accelerating. Share a bit tension. Babu, aap enjoy kar rahe ho, right? Yes. But attention, you have to look intense. You're in between a theft. Yes. Perfect. Look here and there. Look at the camera. And at times, look back as well. Kabhi kabhi peeche dekhte rahiye. Kya pata wo peeche se aa gaye? Aapko pata hi na chale. Yes. Move the bike left and right. And that's too much of cuteness. Hum chori karke bhag rahe hain, beauty parlor nahi ja rahe. Thoda tension chehre pe dikhna chahiye. Please left right dekhte rahiye aur kabhi kabhi peeche bhi dekhiye. All three of you look back please together. Ek saath peeche dekhna. Peeche dekho, peeche. Yes, perfect. So ladies and gentlemen, ek baar zordaar taaliyan se please. Can you have a big, big round of applause for that, please? Thank you. So we're still capturing the best shots. So move the, keep acting, okay? Keep acting, we're still capturing the best shots. So ladies and gentlemen, this person that you're seeing right now on the screen, we call it as Chroma Effect Movie. Is cheese ki awaaz hai? Sorry? Panda, right? Wind. Hawa. Rain or washam. So what it is, it's a design, a simple white cloth and a metal sheet, and we can really make sounds with that in our movie. So watch this very small clip right now for a better understanding of the process. Perfect. So ladies and gentlemen, आपने भी स्क्रीन पे क्या लिखा? एक फाइटिंग सीन, राइट? उसका आवाज हम मूवीज में कैसे निकालते हैं? एक सिंपल बॉक्सिंग ग्लव्स की मदद से. So now the bikes have started. Bikes on हो गए. तो हवा और मिक्सिंग दोनों ऑन कर दीजिए प्लीज. Yes. So just follow the television, okay? जब तक बाइक चलता रहेगा हवा और मिक्सिंग भी रुकनी नहीं चाहिए. ओके? तो कभी कभी थोड़ा ऑन ऑफ करना है. इमीडिएटली ऑन, इमीडिएटली ऑफ, ऐसा लगना चाहिए अपना बाइक चल रहा है. So ladies and gentlemen, अगली बार कोई मूवी में केवल आप बाइक की आवाज सुन रहे तो इतना याद रखना वो कोई बाइक नहीं बल्कि घर घर में चटनी बनाने का मशीन बोल रहे हैं. सिंपल थिंग लाइक अ मिक्सर ग्राइंडर कैन बी यूज्ड टू टेक आउट द साउंड्स ऑफ अ मोटरबाइक इन अ मूवी एंड अ सिंपल व्हाइट और एक नॉर्मल सफेद कपड़े से हम एक हवा का आवाज भी निकाल सकते हैं. सो दैट्स द मैजिक ऑफ सिनेमा. लेडीज एंड जेंटलमैन एंड द मैजिशियन बिहाइंड दिस प्रोसेस इज नन अदर दैन But Mr. Jack Foley, who had felt the fact that the video does not make any sense if there is no sound effects or any sort of music. जब तक ना कोई वीडियो में कोई साउंड इफेक्ट या म्यूजिक नहीं रहता है उस वीडियो में कोई जान भी नहीं रहता है. इसलिए पहली बार ऐसी छोटी छोटी चीजों की मदद से हमारी मूवी इंडस्ट्री में हमने साउंड इफेक्ट को लाया था. But you should do such minimalistic things that is available anywhere in this world. We started introducing sound effects. और इससे पहले सारे मूवी म्यूट बटन पे रहती थी. So the first Indian movie that came with sound effect, the name of the movie is Alam Aara. Right. So be ready, okay? 3, 2, 1, shoot! Perfect. What a timing. So ladies and gentlemen, Arunima, कोई मूवी में अगर आप गोली की आवाज सुन रहे तो इतना याद रखना वो कोई बंदूक नहीं बल्कि stage and very close knit people come and enjoy this show. Directors, producers, hero, heroine aur bahut khaas log ye show dekhne ko aate hain. So feel yourself lucky enough to be a part of my premiere show as well.
And my stars, if you want to collect your clip, on the exit left inside, your clips are available. And from the audience, if somebody is interested in the same movie, or you same movie, bana rahe, aur ghar le jana hai, kuch yaad hai hamare film city se, to aap bhi exit jaake left side, khud ki movie bana sakte hain. Oh!
समाज की अच्छी बुरी बातों को लोगों तक पहुंचाने का जरिया थी और जरिया थी हमारे देश की आजादी का जोश लोगों के दिलों में जगाने की, अपनी बात सारे देश तक पहुंचाने की, अपनी कहानियों के थ्रू, अपने गानों के थ्रू फिल्मों ने हमारे अंदर के देशभक्त को हमेशा जगाए रखा। भारत की 76 सालों की इंडिपेंडेंस में इंडियन सिनेमा के 110 सालों का बहुत बड़ा हाथ है। आज हम अपने स्किट से इंडियन सिनेमा और हमारी पेट्रियोटिज्म दोनों को सम्मान देना चाहेंगे। दोस्तों वंस अगेन एक बार से जोर से तालियां एंड इफ यू लव द परफॉर्मेंस मेक सम नॉइज। सो मेक श्योर दैट बिफोर लीविंग रामोजी फिल्म सिटी आप अपने वाउचर और अपने कूपन से ये चॉकलेट के बॉक्सेस रामोजी फिल्म सिटी से कलेक्ट कर लें सो दैट ये आप स्वीट स्वीट एकदम टेस्टी चॉकलेट्स आप खा सकें और अपने घर ले जा सकें। और हम भी अभी अपने सारे वाउचर्स और पासे दे के सारे चॉकलेट के बॉक्सेस कलेक्ट कर रहे हैं। ट्रस्ट मी इट्स वेरी अमेजिंग इन टेस्ट। दैट्स ऑल गाइस डन फॉर द डे एंड आई एम वेरी टायर्ड नाउ। आई एम गोइंग बैक टू माय होटल। लव यू ऑल। बाय बाय।